आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स, लेकिन एक नतीजे आए उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब बाजार की तेजी में वो स्टॉक भी काफी एक्टिव है, वो है यूफ्लेक्स। आज इंट्राडे बेसिस पे 5% 6% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। 15% बॉटम लाइन में इजाफा होता हुआ नजर आया, 90 करोड़ के पार फिगर पहुंच गई, और बिक्री फ्रंट पर भी 1.6% का इजाफा है, लेकिन एबिटा 220 करोड़ से बढ़कर सीधा 233 करोड़, यानी कि 6% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की है कंपनी ने। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़िया, आर के जैन साहब जुड़े हैं, ग्रुप प्रेजिडेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के यूफ्लेक्स के। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। नतीजे फर्स्ट टेक में देखने में बहुत बेहतर लग रहे हैं, 15% बॉटम लाइन इजाफा देखने को मिला है बीती तिमाही में, क्या कुछ हाइलाइट्स रहे सर? हाइलाइट्स है टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन अराउंड 12% यू नो फॉर दिस क्वार्टर, एंड नेट रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 2% कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, इविडा हैज ग्रोन बाय 6% एंड नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 16%। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अभी और अच्छी करेंगे आने वाले टाइम में और अच्छा होने की उम्मीद है, और इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस विल बी क्वाइट प्रोग्रेसिव, बिकॉज पहले क्वार्टर में 86 करोड़ किया था नेट प्रॉफिट, इस बार 90 करोड़ है और आने वाले टाइम में और अच्छा प्रॉफिट होगा। ये मार्जिन पिक्चर क्या आने वाले समय के लिए कुछ और इम्प्रूव होगी? फिलहाल 15.2% के आसपास के मार्जिन। हाँ, तो ऐसा है कि जो मार्जिन है, ये मार्जिन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, क्योंकि लॉट ऑफ न्यू एडिशंस आर बीइंग मेड, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर बीइंग एडेड व्हिच कमांड्स अ बेटर मार्जिन, एंड न्यू प्रोडक्ट रेंज आर कमिंग इनटू द एंटायर रेवेन्यू मिक्स, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ओवरऑल मार्जिन लेवल। इवन द पैकेजिंग फिल्म बिजनेस विच हैज बीन हैविंग ए लो मार्जिन यू नो ओवर द लास्ट मेनी इयर्स इज ऑल्सो लाइकली टू इम्प्रूव एंड एड टू आर टोटल ओवरऑल मार्जिन लेवल, एंड विद द एडिशन ऑफ आर सारन प्रोजेक्ट पार्ट फॉर द एसेप्टिक पैकेजिंग विच इज ऑल्सो ए बेटर मार्जिन प्रोडक्ट, दे विल ऑल्सो एड ऑन टू द ऑपरेटिंग मार्जिन। So we expect that in the next 2 to 3 years from 15% we are targeting to be somewhere near 17% or so. ठीक है, ये जो आप नई इकाई की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल अब एक्सपोर्ट्स को लेकर भी होगा, क्योंकि कंपनी का फोकस एक्सपोर्ट्स पे बहुत है, पैकेजिंग जो 44% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की आय में, उसमें भी 18% के आसपास तो आप एक्सपोर्ट्स ही करते हैं, रुपए की गिरावट जो है उसका असर क्या देखने को मिलेगा, और ये ओवरऑल जो सिनेरियो बन गया है नोटबंदी का उसका असर कितना है सर कंपनी के ऊपर? देखिए अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं इस सब बात को हुए हुए, अभी तो सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, जैसा था वैसे ही है, बिजनेस पे अभी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पर लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि अगर कैश अगर सिस्टम से विड्रॉ होता है तो उसकी जगह पे ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए उसकी जगह पे कोई ना कोई रिप्लेस होगी, और जब रिप्लेस होगी तो किसी ना किसी फॉर्म में तो ट्रेड करेंसी इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रेड यू नो, सो ऑब्वियसली दिस विल हैपन। तो आपका कुछ ऑर्डर फ्लो पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं कोई दिखेगा, क्योंकि नहीं है अभी तो सब पुराने ऑर्डर चल ही रहे हैं अभी तो सब। अच्छा, नहीं पर नए ऑर्डर्स बताएं, क्योंकि जो अभी तक की एनालिसिस है वो ये है कि एफएमसीजी सेक्टर में नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि कंपनियां नया उतारे बाजार पे, और आपका अच्छा अभी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी कंपनी ने कोई ऐसी बात कही हो कि हम नहीं उतार रहे हैं या हमारे पर कोई इन्फ्लेशन आई हो ऐसी बात, और वैसे भी हमारा 50% रेवेन्यू तो बाहर से भी आता है और 50% इंडिया से है, तो इस तरह से काफी हद तक हम इंसुलेटेड भी हैं, तो थोड़ा बहुत होगा भी तो 1-8% ऊपर नीचे अगर होता है तो विच इज नॉट ए मेजर इम्पैक्ट ऑन दी ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंपनी। रुपए की गिरावट से फायदा देखते हैं अगली कुछ, रुपए की गिरावट एक टेक्टिकल फैक्टर है, ये तो रुपया गिरता रहता है उठता रहता है रोज ही रोज, कुछ अगर देखने लगे तो फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, अपना बिजनेस प्लान अपना रहता है, इनोवेशन करिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए जिसके कारण लॉन्ग टर्म आपका सस्टेनेबल बिजनेस ग्रो करे, ये रुपया तो ऐसी चीज है कि ये तो गिरता रहेगा उठता रहेगा, इससे प्रॉफिट थोड़ा कमाया जाता है। चलिए, आप कॉन्फिडेंट है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फ्यू महीनों में भी कंपनी बेहतर ग्रोथ दर्ज करेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, और नतीजों की बात करने के लिए देखना आपके पास मैं आता हूं, अगर कोई ट्रेड चल रहा हो दो ट्रेड्स बताएं आज के मार्केट्स को देख के एफएनओ सेगमेंट में जो आप सलाह देने क्लाइंट्स को। यस, मैंने पहला ट्रेड होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है, हायर टाइम फ्रेम्स आरएसआई इज मच अबाउट 60 और डेली में भी इट्स इनटू हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, तो मैं मानती हूँ कि मार्केट से जरा भी सपोर्ट आएगा सो दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स पहले लॉन्ग की तरफ जाएंगे, तो हिंदुस्तान जिंक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 273 और 298 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक पे। और सेकेंड मेरा बाय कॉल होगा बजाज ऑटो पे, स्टॉक देखेंगे तो जो डिक्लाइन आई थी फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स एक परफेक्ट ट्रेंडलाइन सपोर्ट भी रुकी हुई है, द ट्रेंडलाइन इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट, वीकली में दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं टू कंसेक्यूटिव वीक्स, तो ये एक बहुत अच्छा बाय बन रहा है फॉर दिस वीक, सो बजाज ऑटो को बाय कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 2610 और ऊपर में 2780 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम कमाई सर जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे और स्टॉक्स पे अप्रोच बताने के लिए।